الحمد لله، جزاك الله. السلام علیکم ڈیڈ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جس کی اتنی خیال رکھنے والی بیٹی ہوگی. بتاؤ کیسی طبیعت ہوگی اس کی، دیکھ لو. اچھا بھلا شاش بشاش ہوں الحمد للہ. اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے ماموں جان، مجھے تو لگتا ہے کہ دواؤں سے زیادہ آپ کی نیکیاں جو اس وقت آپ کے کام آ رہی ہیں. ماشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کتنی جلدی ٹھیک ہو گئے، اللہ کا خاص کرم ہے آپ پہ ماشاءاللہ. شک اللہ کا ہی کرم ہے، اور میں تو عام سا بندہ ہوں. کیا میں اور کیا میری نیکیاں؟ توفیق ازدی ہے، بس وہی توفیق دیتا ہے. تم دفتر جا رہے تھے اپنا؟ جی ڈیڈ جا رہا ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر میں چینج کر لوں گا، کافی دنوں سے نہیں گیا تھا تو سوچا آج اپڈیٹ لے لوں. تم ایک کام کرو نا، تم رمشا کو اس کی اکیڈمی ڈراپ کر دو، اتنے دنوں سے اکیڈمی نہیں جا رہی ہے. نہیں ماموں جان، میں کل سے جوائن کروں گی، آج نہیں. نہیں نہیں بیٹا، اب چھٹیاں نہیں کرنی، اور پہلے بھی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. بس تم جاؤ، یہ تم تیار ہو جاؤ، اس کو بھی تیاری میں تھوڑی دیر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جی جی ڈیڈ، میں بالکل ڈراپ کر دوں گا، تیار ہو جاؤ. میں تیار ہو کے بریکفاسٹ کر. میں ٹھیک ہوں بالکل، جاؤ شابش جاؤ. آپ اپنا خیال رکھیں گے نا؟ ارے ہاں، وہ اللہ ہے نا، خیال کرنے ہو. جاؤ شابش، جیتی رہو. اللہ حافظ. اللہ کے سپرد. شکر الحمدللہ. ایک بات کہوں رمشا، بہت بدل لیا تم نے اپنے آپ کو. میں نے نہیں، میرے رب نے مجھے بدل دیا. ہاں تمہیں دیکھ کے اب محسوس ہوتا ہے تمہیں اللہ نے ہی بتلا ہے، کیونکہ سچ کہوں تو مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ وہی رمشا ہے جسے میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے پہلی بار دیکھا تھا. اسے پہلی بار جانا تھا، وہ رمشا تو زندگی کی دوڑ میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کہیں بھاگ رہی تھی. اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے. یا یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ زندگی کی سفر تفری میں وہ اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز چلا گیا تھا. شاید اس کی زندگی میں سکون تھا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سکون انسان کی ذات میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں.
मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि आप अपने और अपने रब के दरमियान के ताल्लुक को जितना जितना मजबूती से जोड़ेंगे आप उतना ही सुकून में रहेंगे। आपको पता है जब आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं ना, जब उसके साथ ताल्लुक को मजबूत करते हैं, तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। आपकी मोहब्बत की कदर कर आपको रुसवा नहीं होने देता है, जबकि इसके बरस अगर आप किसी इंसान से इतनी मोहब्बत कर लेना वो आपको जहर रुसवा कर देता। कि मोहब्बत की कदर नहीं करती सिर्फ रुसवा करती। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं ये सब भुगत चुकी। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको रॉन्ग लगा तो। मैं बस बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी आपसे। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी होता है उसमें बेहतरी होती है हमारी। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। थैंक यू। छोटी बीबी, साहब जी आ गए, उनके हाथ में फ्लावर भी थे। अच्छा तुम चलो मैं आती। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। दरअसल तुमसे क्या हुआ है? सब ठीक है? मामू जान की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक भी है और खुश भी है बहुत। शुक्र। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी अफनान? क्यों जरूरत नहीं थी? तुमने डैड की इतनी खिदमत की है, इतना ख्याल रखा है उनका। तुम्हारी जगह कोई उनका अपना भी होता ना तो ऐसे ख्याल ना रख पाता। तुम्हारी वजह से डैड हद सेहतमंद हो गए हैं, खुश हैं। तो मैंने सोचा तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें ये फूल दे। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपना। मुझान मेरे मोहसिन है। ये भी तुम्हारी आला जर्फी है कि तुम इस बात को मान रही हो कि डैड के तुम पर कुछ एहसान है। वरना आजकल तो लोग ना किसी का एहसान मानते हैं और ना किसी की अच्छाई। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुमने जो अच्छाई की है अल्लाह तुम्हें उसका अजर देगा।
थैंक यू। हेलो, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो क्या? नहीं, कुछ लाना था क्या? नहीं, वैसे कुछ भी। अरे, कुछ भी मंगवाना था तो मुझे बता देती, मैं लेता आता। नहीं, जैसे कुछ सरप्राइज वगैरह तुमने सोचा हो तो। सरप्राइज? बर्थडे है तुम्हारा? नहीं। समझ गया, आज मेरा बर्थडे है ना? नहीं अफनान। ओके 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 ओके, हाँ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होगी है ना? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे हो सकती है, अभी तो साल भर नहीं हुआ हमारी शादी को। एग्जैक्टली, तो जब इन तीनों में से कोई भी ओकेजन नहीं है तो सरप्राइज किस बात का? और लेकर क्या आना था भाई, कुछ मंगवाना हुआ करे तो कॉल कर दिया करो, मैं ले आऊंगा। मैं क्या हुआ, कहीं जा रही हो तुम? नहीं, क्यों? नहीं मतलब तुमने अब तक चेंज नहीं किया हुआ, उसी तरह रेडी हो तो। तुम्हारे लिए तैयार हुई थी, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा मुझे। अरे अरे नहीं भाई, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, तैयार रहा कर। अच्छा सुनो, मैं डैड से नहीं मिला, मैं उनसे मिल के आता हूँ। या अल्लाह, ए बादशाहों के बादशाह, तू जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है इज्जत छीन लेता है। या अल्लाह, सब खूबी तेरे हाथ, तू हर चीज पे कातिर है। अल्लाह पाक, जिस इंसान ने मुझे जलील और रुसवा किया, आज उसी के हाथों तूने मुझे इज्जत दिलवाई है। अल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना रहीम करीम है। अल्लाह पाक, मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं, तू अपने बंदों को बहुत नवाजता है मेरे मालिक। वाकई अपने बंदों से उसकी 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। तेरा बहुत शुक्र है अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। अलीजे बेटा, वो मुझे मेरी दवाएं जरा दे दो। जी मामूजान। अच्छा मुझे बताएं कौन सी दवाएं आपकी, मैं ले आती हूँ। अरे बेटा, मुझे तो खुद नहीं पता कि कौन सी दवाएं, वो अरमशाही देती है दवाएं हमेशा, उससे पूछ लो। अच्छा मैं पूछती हूँ। शुक्रिया। रमशा? हाँ जी। रमशा, वो मामू जान को कौन सी दवाएं देनी है मुझे बता दो, बल्कि एक काम करो तुम उन्हें खुद दवा दे दो, उन्होंने खाना खा लिया, अब आराम करेंगे। ठीक है, मैं ले देती हूँ दवाई उनको।
छोटी बीबी, साहब जी आ गए, उनके हाथ में फ्लावर भी थे। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। बर्थडे है तुम्हारा? नहीं, समझ गया, आज मेरा बर्थडे है ना? नहीं अफनान। ओके 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 ओके, हाँ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होगी है ना? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे हो सकती है, अभी तो साल भर नहीं हुआ हमारी शादी को। एग्जैक्टली, तो जब इन तीनों में से कोई भी ओकेजन नहीं है तो सरप्राइज किस बात का? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। हाँ जी हाँ जी, पहुंच जाएगा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चानी, चानी। जी बा, जी। बात, बात। कासिम साहब की कॉल आई है, तुमने कल दोपहर को उनके घर जाना है, है? वो तुम्हें एक चेक देके वो लेके आना है। कल परसों का कर ले, कल मुझे उमेर के साथ एक जरूरी काम से जाना है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? तुम्हारा काम दुकान के काम से ज्यादा जरूरी है, कल ही जाना है तुमने। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वो देख लेता हूँ नहीं यार, तुमने कल जाना है। जी। क्या हो गया इस नई नस्ल को? इनके लिए हमारा गद्दी ज्यादा जरूरी है, उमेर के साथ जाना है इसने। बैटरी खत्म हो गई लग। मुझको हमारे माहौल को समझने में कुछ वक्त लगेगा, तुमने इस तरह उस पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। कहाँ जा रहे हो तुम? एक पार्टी में जा रहे हैं। दोनों जा रहे हो? Obviously, हम दोनों ही जाएंगे ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे मिजाज के साथ किस तरह चलूंगी सलमान। ना तो मैं खुद इतना मुश्किल हूँ। तुमने रमशा को फ्लावर्स दिए? हाँ। क्या होता है अफनान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ तो मैंने जवाब दे तो दिया है, बार बार क्यों पूछ रहे हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मैं पूछ सकती हूँ तुमसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। कुछ सोचो यार, उसने डैड का इतना ख्याल किया उनकी बीमारी में, एक मिनट के लिए भी उनके पास से नहीं हटी, उनकी दवाइयां, उनका खाना पीना, हर चीज का ख्याल करती रही। मुझे लगा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो फ्लावर्स दे दिए। ओ, तो इसलिए तुमने उसे फूल दे दिए? हाँ, शुक्रिया के तौर पे दिए, और कुछ नहीं है इसमें। मुझे तो तुमने कभी फूल नहीं दिया। शादी के बाद कितने तोहफे दिए तुमने मुझे अफनान? अच्छा चलो, तुम्हें भी फूल चाहिए, मैं तुम्हें ला दूंगा, आप खुश। नहीं एक मिनट अफनान, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो लड़की तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं होता था तुम्हें, अब अचानक से तुम्हें इसको लेकर इतनी हमदर्दी हो गई कि तुम इसको फूल लाके दे रहे हो। देखो लीजिए,
मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से कि मैंने उसको फूल दिया या इस बात से कि उसको थैंक यू कहा? मुझे दोनों बातें बुरी लगी हैं अफगान। उस लड़की ने अगर मामू जान की खिदमत कर भी ली तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मामू जान ने उसके ऊपर एहसान किए, उसको इस घर में रखा हुआ है, खाने पीने को देते हैं, उसका सारा खर्चा उठाते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? उसे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम उसका किस लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो? हम उसे इस घर में सारी सहूलतें दे रहे हैं। अगर उसने थोड़े बहुत काम कर भी लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कदमों में जाकर बैठ जाएं। अब तुम गलत बात कर रही हो ली से। गलत मैं नहीं कर रही हूं अफनान, गलत तुम लोग कर रहे हो। उस लड़की की इतनी भी औकात नहीं है कि वो हमारे कदमों में बैठे और तुम लोग उसे सर पे चढ़ा रहे हो। उसको पहली फुर्सत से इस घर से निकाल। फिलहाल तो मुझे काम करना है बहुत जरूरी, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। अफनान ये कोई तरीका नहीं है। ये भी कोई तरीका नहीं है। अफनान मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आप बैठे हैं मिस लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो बैठो। सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अब्बा बता रहे थे कि आपकी तबीयत नहीं कुछ ठीक थी, अब कैसे आप? हाँ नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब तो बेहतर है। बताओ वाले सब खैरियत से? ठीक। साजिद साहब, बीवा खैरियत से? बेटी है ना उनकी, ठीक है वो? जी। बड़े भले आदमी थे, बड़े भले मानस, बस अल्लाह की रजा, सबको जाना है एक ना एक दिन। अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ तो उनका चेहरा सामने आ रहा है। जी बस ऐसे ही है, जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा हाँ, था तुम्हें तो चेक लेने के लिए शाम को नहीं आना था गालिबन? हाँ जी, वो आना तो शाम ही को था, लेकिन वो मुझे शाम को कुछ काम था तो मैं फिर अभी आ गया। असल में वो तुम्हारा चेक जो है ना, वो मेरे बेटे अफनान के पास है और वो कहीं बाहर गया आई थिंक किसी मीटिंग में। मैं ऐसा करता हूँ, उसे फोन कर लेता हूँ, तो पता कर लेते हैं उससे। फोन पिक नहीं कर रहा है वो, तो इंतजार कर लेते हैं कुछ देर। जी ठीक है। तो कुछ ठंडा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा वैसे कासिम साहब, मैं ये सोच रहा था मैं कल परसों आ जाता हूँ चेक लेने के लिए। हाँ जैसे आसानी हो, जैसे बेहतर समझ। मैं कल परसों। तो कुछ ठंडा चाय वगैरह? अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ। थैंक यू। जी तेरा शुक्रिया। माजरत, तकलीफ उठाना पड़ा।
भाईजान इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। आप इतना बीमार रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहे और मुझे इस बात का इल्म तक नहीं। जरा आने दें अलीजे को, अभी पूछती हूँ मैं इससे कि आप इतना बीमार है उसने मुझे मुझे बताया तक नहीं। अरे अलीजे को कुछ मत कहना, मैंने ही मना किया था उसे। नहीं भाईजान, ये आपने अच्छा नहीं किया। मुझे कम से कम एक फोन ही कर देते आप, मैं भागी चली आती। इसीलिए नहीं किया तुम्हें फोन। अरे जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह, तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना था। इतने अरसे के बाद तुम अपने ससुराल की किसी तकरीब में गई, तो मैंने कहा तुम आराम से अटेंड करो, देख लो अच्छा भला हूँ तुम्हारे सामने, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ या नहीं, बोलो। शुक्र है भाईजान कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपका सदका निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका सूप रेडी हो गया मामू जान, लेकर आ जाऊं? अरे बेटा तुम अभी एकेडमी से आई हो और तुम्हें आते साथ ही मेरे सूप की पड़ गई, कुछ देर आराम तो कर लेती। मामू जान एकेडमी जाके ना मैं बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं करती। आपको पता है मामू जान, मैंने एक बात नोटिस की है, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना तो मैं जब घर वापस आती थी तो बहुत खुद को थका हुआ महसूस करती थी, लेकिन जब से मैंने एकेडमी जाना शुरू किया और जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा इल्म नाफे हो ना तो उसकी यही बरकत होती है और यही हमारे दीन की भी बरकत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है अफशी, इस बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी दवाओं का, खाने पीने का, मुझे लगता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा होता ना, ऐसी ही होती मेरी बेटी। मुझे आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अल्लाह तुम कितने ढीठ हो, मुझसे कोई इस तरह बात करे ना मैं उसकी शक्ल तक ना देखूं। यार हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा बहुत ढीठ होना तो जरूरी है, इससे इंसान खुश भी रहता है और सेहतमंद भी। कुकीज तो पास करो। गोल्डन वर्ड्स बाय मिस्टर फहद, ये तो मैं लिखवा के फ्रेम करवाऊंगी। अच्छा ये बताओ ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, इनफैक्ट इस मंथ तो काफी बिजनेस हुआ है। गुड। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी, आजकल अफनान मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है, क्यों? एक्सक्यूज मी, वो मुझे एकेडमी जाना था, मैं अभी देख कर आई हूँ, कोई भी ड्राइवर वहां पे नहीं है, तो आप प्लीज कॉल कर देंगी ताकि ड्राइवर आ जाए। रमशा तुम्हारा एकेडमी जाने का कोई टाइम है या किसी भी वक्त तुम एकेडमी चली जाती हो? इस घर के मुलाजिम है, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं है। एक्चुअली वो स्पेशल लेक्चर है आज, इसलिए एकेडमी इस टाइम पे जा रही हूँ, वरना तो। खैर ड्राइवर तो नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम रक्शे में जा सकती हो, और अगर किराए के पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। वैसे मैं भी निकल ही रहा था, चलो तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया। क्या हो गया, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रिस्पॉन्ड कर रही हो उसे? उसके घर के पास ही है तुम्हारा एकेडमी, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, है ना फहद?
नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। रमशाद चली जाओ उसके साथ, सही कह रहा है वो, बाद में मामू जान को पता चलेगा तो एक और ड्रामा होगा घर। तुम इसको ड्रॉप कर दे, मैं चली जाऊंगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ उसके साथ। आओ चलो फाद, अपना ख्याल रखो। ओके बाय। लीजिए वो जाओ। अलीज़े ने जिस तरह से आज तुम्हारे साथ बिहेव किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो समझा था अफनान ने अपने घर में तुम्हारी इज्जत बना के रखी हुई होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पे तुम्हें जलील किया जा रहा है। सो सैड। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल के रह सकती हो। अपने इस ऑफर को अपने हद तक रखें। गाड़ी तेज चलाए, मुझे देर हो रही है। तुम्हारा ये इनकार करना ही तो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अपने घर तक आने की ऑफर मैंने आज तक और किसी को नहीं दी थी। वैसे घर पे और कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी और मैं। रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। नहीं रोक सकते, रोको। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, रोक रहा हूँ। रोको गाड़ी। ओके। पत्तनीस चाहे लाए। कहाँ जा रही हो, रुको तो। क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों इतनी शरीफ बन रही हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम। अफनान, क्या हो रहा था ये? वो अलीज़े ने मुझसे कहा था कि मैं रमशा को एकेडमी ड्रॉप कर दूं। मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, बार बार रुक रही है। अच्छा क्या तुम आ गए, तुम इसको क्यों नहीं ड्रॉप कर देते हो? मैं गाड़ी जरा मैकेनिक के पास ले जाऊं। हैं ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या हो रहा था रमशा? रमशा मैं पूछ रहा हूं, क्या क्या हुआ था यहां पर? वो मुझसे गलत बात कर रही